नमस्कार, एनबीसी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं अदिति राठौर आपके साथ। नजर डालते हैं इस वक्त की फास्ट खबरों पर। कांग्रेस में शामिल होने के 3 घंटे बाद ही शत्रुघ्न को पटना साहिब से मिला टिकट। भाजपा के रविशंकर से होगा मुकाबला। वायनाड में राहुल गांधी के सामने उतरे तीन गांधी, मतदाताओं के सामने खड़ी हुई उलझन। सुषमा स्वराज ने दी राहुल को नसीहत, कहा आडवाणी हमारे पिता समान है, मर्यादा में रहकर बयानबाजी करें। अमित शाह के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस, उम्मीदवार खारिज करने की करी मांग। स्मृति ईरानी ने किया राहुल पर करारा हमला, कहा जिसके सहारे सत्ता सुख भोगा उसी के पीठ में घोपा छुरा। पीएम मोदी को मिला यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जायद मेडल से हुए सम्मानित। मेनका गांधी ने कहा राहुल गांधी कुछ भी कर ले नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए गांव वालों ने लगाया नो एंट्री का बोर्ड, लिखा मैं भी हूं चौकीदार। उत्तर प्रदेश के अमरोहा का है मामला। दिल्ली में शो करने आई हरियाणा की डांसर के साथ 3 हैवानों ने किया गैंगरेप। पूर्वोत्तर दिल्ली के खजूरी खास का है मामला। फारूक अब्दुल्ला ने F-16 मामले को लेकर किया यूएस की मैगजीन के दावे का समर्थन, कहा झूठ बोल रहे हैं पीएम मोदी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज 24। नमस्कार। सब्सक्राइब करें।